कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दो मुख्य घोषणा की है। पहला, लगभग 72 लाख लोगों को 2 महीने तक फ्री राशन दिया जाएगा और दूसरा, ऑटो और टैक्सी चालक को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसे अप्लाई कैसे करेंगे। जो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्य दो घोषणा की है। पहला, लगभग 72 लाख लोगों को 2 महीने तक फ्री में राशन दिया जाएगा और दूसरा, यह ऑटो चालक टैक्सी 5,000 रुपया का महीना दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने नोवल कोरोना वायरस COVID-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए सार्वजनिक सेवा वाहन वैध परिवहन सेवा के वैध ड्राइवर लाइसेंस धारकों के लिए वित्तीय सहायता 5,000 रुपया के योजना के लिए आवेदन मांगा है। उम्मीद है कि यह तिथि आगे बढ़ सकती है। सरकार ऑटो टैक्सी और ई रिक्शा सहित परिवहन वाहनों के लिए ड्राइवरों को 5,000 रुपये द्वितीय प्रदान करेगी। शहर में लॉकडाउन की वजह से वर्ग के व्यक्तियों के कार पर बहुत प्रभाव पड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि सरकार का यह योजना बना रही है कि ऑटो टैक्सी, ई रिक्शा, ग्रामीण सेवा, RTV और अन्य सार्वजनिक वाहनों जैसे बैंक के सार्वजनिक वाहनों चालकों के बैंक खाते में 5,000 रुपया भेजी जाएगी। इन सभी के बैंक खाता नंबर उपलब्ध है, इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप लोगों को ये नहीं पता है 5,000 रुपये अपने अकाउंट में लेने के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा।